नमस्कार, आप देख रहे हैं चीचिन 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात प्रोग्राम में देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों को जीवन की कहानियां बताई और लोगों से भी उनके जीवन की प्रेरक कहानियां पढ़ने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमारी रंगों में है, हमारी संस्कृति में है, सदियों से ये हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेसी सोसाइटी हैं। मन की बात कार्यक्रम का यह 97वां एपिसोड था, जो इस साल का पहला एपिसोड है। आदिवासियों को पद्म पुरस्कार मिलना गर्व की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि पद्म पुरस्कार विजेताओं की एक बड़ी संख्या आदिवासी समुदाय और आदिवासी समाज से जुड़े लोगों से आती है। आदिवासी जीवन शहर के जीवन से अलग है, इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। इन सबके बावजूद आदिवासी समाज अपनी परंपराओं को बचाने के लिए हमेशा आतुर रहता है। टोटो हो, कुई, कुवी और मांडा जैसी आदिवासी भाषाओं पर काम करने वाले कई महान हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिल चुका है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। सिद्धि जारवा और ओंगो आदिवासी के साथ काम करने वालों को इस बार भी पुरस्कार दिया गया है। गणतंत्र दिवस में सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी की काफी सराहना हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में अनेक पहलुओं की काफी प्रशंसा हो रही है। आपको बता दें कि 26 जनवरी की परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर निर्माण करने वाले श्रमिकों को देखकर बहुत अच्छा लगा। इस परेड में पहली बार हिस्सा लेने वाली महिला ऊंट सवार और सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी की भी काफी सराहना हो रही है। आपको बता रहे कि डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध भिक्षु संघ की तुलना भारतीय सांसद से की थी। उन्होंने उसे एक ऐसी संस्था बताया था जहां प्रस्ताव, संकल्प, कोरम और वोटों की गिनती के लिए कई नियम थे। बाबा साहब का मानना था कि भगवान बुद्ध को इसकी प्रेरणा उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाओं से मिली होगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि मैं एक दिलचस्प किताब का जिक्र करूंगा, जिसका नाम है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें कई बेहतरीन कहानियां हैं, इसको सभी को पढ़ना चाहिए। पीएम बोले कि मुझे खुशी है कि देश के हर कोने में जहां भी G20 समिट हो रही है, वहां मिलेट से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन उसमें शामिल होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि देश का ये प्रयास और दुनिया में बढ़ने वाली मिलेट्स की डिमांड हमारे छोटे किसानों को कितनी ताकत देने वाली है। इंटरनेशनल ईयर। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मन की बात में मैं एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जिसमें आपको आनंद भी आएगा, गर्व भी होगा और मन कह उठेगा, वाह भाई वाह, दिल खुश हो गया। देश के सबसे पुराने साइंस इंस्टीट्यूशंस में से एक बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc एक शानदार मिसाल पेश कर रहा है। मन की बात में मैं पहले इसकी चर्चा कर चुका हूं कि कैसे इस संस्थान की स्थापना के पीछे भारत की दो महान विभूतियां जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा रही है। तो आपको और मुझे आनंद और गर्व दिलाने वाली बात यह है कि साल 2022 में इस संस्थान के नाम कुल 145 पैटर्न्स रहे हैं। इसका मतलब है हर 5 दिन में 2 पैटर्न्स। ये रिकॉर्ड अपने आप में अद्भुत है। इस सफलता के लिए मैं IISc की टीम को भी बधाई देना चाहता हूं। साथियों, आज पेटेंट फाइलिंग में भारत की रैंकिंग 7वीं और ट्रेडमार्क्स में 5वीं है। सिर्फ पेटेंट्स की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में इसमें करीब 50% की वृद्धि हुई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है और अब वो 40वें पर आ पहुंची है, जबकि 2015 में भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 80 नंबर के भी पीछे था। एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत में पिछले 11 वर्षों में पहली बार डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग की संख्या फॉरेन फाइलिंग से अधिक देखी गई है। ये भारत के बढ़ते हुए वैज्ञानिक सामर्थ्य को भी दिखाता है।
साथियों, हम सभी जानते हैं कि 21वीं सदी की ग्लोबल इकोनॉमी में नॉलेज ही सर्वोपरि है। मुझे विश्वास है कि भारत के टेकेड का सपना हमारे इनोवेटर्स और उनके पेटेंट्स के दम पर जरूर पूरा होगा। इससे हम सभी अपने ही देश में तैयार वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट का भरपूर लाभ ले सकेंगे।